सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम सभी इस ऑनलाइन आभासीय CBSE इन हाउस ट्रेनिंग के पर्पस से इस ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं और आज दिनांक 13/3/2022 को जो विषय है वह विषय जिसमें हमें प्रशिक्षण मिलना है वह विषय है एजुकेशन फॉर पीस। शिक्षा किसके लिए? तो शांति के लिए। बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय को विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्रीमान बलराम प्रसाद जी के द्वारा संपादित होना है। तो आज के मुख्य रिसोर्स पर्सन के रूप में अपने ही विद्यालय महावीर सरस्वती विद्या मंदिर पंच मंदिर बरहन गोपाल से रिसोर्स पर्सन के रूप में श्रीमान बलराम प्रसाद जी आमंत्रित हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा श्रीमान रिसोर्स पर्सन महोदय से कि अविलंब, समय हो चला है, अविलंब अपने विषय शिक्षा शांति के लिए, शांति शिक्षा एजुकेशन फॉर पीस को संपादित करने का कष्ट करें। बलराम आचार्य जी, धन्यवाद। रवि जी, आज के रिसोर्स पर्सन के रूप में जिम्मेवारी देने के लिए, सभी जुड़े हुए युग में एजुकेशन फॉर पीस यानी शांति शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए सामाजिकृत करती है तथा समाज के सदस्य वह एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा मानव विकास का मूल है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का विकास होता है। अतः शिक्षा के कार्य इन्हें ध्यान में रखकर ही निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान इकाई में आप व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य, शिक्षा के व्यक्ति, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य में समानता तथा अंतर्द्वंद, पूर्वाग्रह, आक्रामकता एवं हिंसा के स्रोत एवं कारण, पर्यावरणीय सरोकार, मानव एवं प्रकृति अनुन्यासित का अध्ययन करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य को बता सकेंगे। शिक्षा के व्यक्ति, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य में समानता तथा अंतर का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद द्वंद का अर्थ बता सकेंगे तथा इसके स्रोतों एवं कारणों की विवेचना कर सकेंगे। पूर्वाग्रह, आक्रामकता एवं हिंसा के स्रोत एवं कारण का वर्णन कर सकेंगे। पर्यावरणीय सरोकार में मानव एवं प्रकृति की अन्योन्याश्रित की विवेचना कर सकेंगे। मानव एवं प्रकृति की अन्योन्याश्रित को समझते हुए इस ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य, संकुचित अर्थ में
शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों के मतलब हुआ जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों, सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक उद्देश्य के साथ सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा छात्र जो है निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर अनेक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सुदृश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा की कुछ परिभाषाएं भी हैं जो इस प्रकार है। शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। Education is the most powerful weapon we can use to change the world. यानी शिक्षा जो है ऐसा शक्ति है जिसके लिए पूरे विश्व को बदला जा सकता है। शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक प्रगतिशील एवं सामंजस्यपूर्ण विकास है। शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। उसके बाद मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह जो है स्वामी विवेकानंद का कथन है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। यह उक्ति जो है महात्मा गांधी का है। समानतः जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसका अर्थ साक्षरता लगा लिया जाता है, परंतु वास्तव में शिक्षा एक विस्तृत संप्रत्यय है एवं साक्षरता एक लघु संप्रत्यय है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि साक्षरता सीमित अवधि तक चलती है। शिक्षित होने से तात्पर्य है सुसंस्कृत होना, जबकि साक्षर होने का अर्थ है पढ़ा लिखा होना। दोनों में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए हम यह कह सकते हैं कि कबीर साक्षर नहीं थे, कबीर शिक्षित थे। अकबर साक्षर नहीं थे, शिक्षित थे। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी का विकास होता है। शिक्षा व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाती है। शिक्षा मनुष्य का समाजीकरण करती है, सामाजिक नियंत्रण रखती है और सामाजिक परिवर्तन करती है। शिक्षा का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। मानव या समाज का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर शिक्षा विचार न करती हो। शिक्षा के लक्ष्य व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर
निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, ऐसे में शिक्षा अंतर्राष्ट्रीयता पर भी विचार करती है। आज प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीयता को स्थान दिया जा रहा है। व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के कार्य जो है वो भी है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति किसी समाज का सदस्य या नागरिक होता है तथा व्यक्ति के विकास से उस समाज का विकास होता है। अतः प्रत्येक समाज अपने नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन के बहुमुखी विकास की व्यवस्था शिक्षा के माध्यम से करता है। मनुष्य का शरीर समस्त प्रकार के ज्ञान ग्रहण करने का साधन है। शरीर जितना अधिक स्वस्थ होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक सीखेगा। जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क सृजन होता है। अतः शिक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास करती है, इसकी इंद्रियों का प्रशिक्षण करती है और उसकी जनजात शक्तियों का विकास तथा उदात्तीकरण करती है। मनुष्य विचारों के आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है, फिर चाहे वह भाषा लिखित हो, मौखिक हो या सांकेतिक हो। शिक्षा का कार्य मनुष्य को भाषा का ज्ञान कराना, उसकी मानसिक शक्तियों का विकास करना और उसे विविध विषयों का ज्ञान कराना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही उसका अस्तित्व है। अतः शिक्षा का कार्य मनुष्य का समाजीकरण करना है और उसे अपने समाज में समायोजन करने योग्य बनाना है। हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है तथा सभ्य समाज में हर व्यक्ति उस संस्कृति का पालन करता है। शिक्षा ही मनुष्य को अपने समाज की संस्कृति से परिचित कराती है एवं तदनुकूल आचरण करने का प्रशिक्षण देती है। शिक्षा मनुष्य में नैतिक एवं चारित्रिक विकास करके उसमें मूल्यों का निर्माण करती है। शिक्षा मनुष्य को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य बनाती है। शिक्षा मनुष्य को व्यवसाय में निपुण करती है, रोजी रोटी कमाने के योग्य बनाती है। शिक्षा मनुष्य को उसके देश स्वतंत्र से परिचित कराकर उसे राज्य का श्रेष्ठ नागरिक बनाने में सहायता करती है। शिक्षा मनुष्य में धार्मिक सहिष्णुताएं व आध्यात्मिक चेतना का विकास करती है। इस प्रकार शिक्षा का मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं? पहली इकाई में शिक्षा आत्मज्ञान, आत्म अनभिज्ञता तथा आत्म वंचन को दूर करता है। शिक्षा मानव को पूर्ण जीवन जीने की तैयारी कराता है। शिक्षा मानव की समस्त योग्यताओं, क्षमताओं तथा कौशलों को प्रोत्साहन तथा पोषण देती है। शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी सामंजस्य स्थापित कर सके। शिक्षा व्यक्ति में सहयोग की भावना का विकास करती है। शिक्षा बालक में उचित मूल्यों की स्थापना करती है। शिक्षा जाति, गरीबी और लैंगिकता से जुड़ी परंपरा रूढ़ियों एवं पूर्वाग्रहों का अंत करती है। शिक्षा जाति, लिंग, रंग, आर्थिक स्तर और कर्म का ख्याल किए बिना मानव मात्र की समानता, अधिकारों और गरिमा का सम्मान करने की भावना पैदा करती है। शिक्षा बालक को सौहार्द के साथ मिलजुल कर जीने की कला सिखाती है। शिक्षा बालक में अंधविश्वास को समाप्त कर वैज्ञानिक अभिवृत्ति पैदा करती है। शिक्षा बालक में अपने आचरण को उचित बनाए रखने और प्रभावकारी ढंग से समय का
प्रबंधन करने की योग्यता पैदा करती है। शिक्षा बालक में शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास करती है। शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य सार्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानता है, क्योंकि व्यक्ति के बिना समाज कोरी कल्पना है। व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास होता है। शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य नया नहीं है। प्राचीन काल में ग्रीस व भारत तथा अन्य पाश्चात्य देशों में भी शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य को प्रमुख स्थान दिया जाता है। सामाजिक जीवन में शिक्षा के कार्य, शिक्षा की व्यवस्था समाज में संतुलन स्थापित करने हेतु की जाती है। शिक्षा समाज का उत्थान करती है। सामाजिक दृष्टि से शिक्षा के क्या क्या कार्य है, तो सामाजिक करण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, यह शिक्षा के मेन कार्य है। शिक्षा समाज के प्रत्येक नागरिक के शारीरिक, इंद्रिय और जन्मजात शक्तियों के विकास की व्यवस्था करती है। शिक्षा समाज की भाषा एवं ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करती है। शिक्षा के माध्यम से समाज की संस्कृति संरक्षण, संवर्धन एवं स्थानांतरण होता है। शिक्षा समाज के व्यक्तियों में सांस्कृतिक मूल्यों के विकास करती है। साथ ही समाज के व्यक्तियों में नैतिकता एवं चारित्रिक विकास करती है। समाज में प्रत्येक क्षेत्र में कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु क्षेत्र के विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। शिक्षा विशेषज्ञों का निर्माण करती है। समाज की शासन प्रणाली क्या है, शिक्षा इसका ध्यान रखती है तथा नागरिकों को इससे परिचित कराती है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का जन एवं शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज को ऊंचा मानते हैं। समाजवादियों के अनुसार व्यक्ति के अपेक्षा समाज बड़ा है, अतः वे शिक्षा सामाजिक उद्देश्य पर विशेष बल देते हैं। इनका विश्वास है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वह समाज से अलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता है। अतः उनके अनुसार व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व का विकास समाज की आवश्यकताओं तथा आदर्शों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य निम्न बिंदुओं में कर सकते हैं। जैसे शिक्षा समाजवादी समाज की स्थापना करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जातिहीन तथा वर्गहीन समाज की स्थापना की व्यवस्था करती है। शिक्षा सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करती है। शिक्षा दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, छुआछूत, दास्त आदि कुप्रथाओं के प्रति बालक को जागरूक करती है। शिक्षा धार्मिक समस्याओं पर भी कुठाराघात करती है। शिक्षा ही आडंबरों, छुआछूत आदि के बारे में बालक को जागरूक करती है तथा बालक धर्म एवं आडंबर में भेद कर सकते। समाज में शांति स्थापना हेतु बालक में नेतृत्व तथा अनुशासन के गुणों का विकास करती है। शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य बालक को सुयोग्य नागरिकता का प्रशिक्षण देना है। शिक्षा हर बच्चे में राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना विकसित करती है। शिक्षा धर्म निरपेक्षता की भावना का विकास करती है। शिक्षा बालक में लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रेरित करती है। शिक्षा समस्त विद्यार्थियों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराती है। समस्त विद्यार्थियों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से परिचित कराती है। राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में अधिक मेल पैदा करने वाली
लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहित भी करती है। शिक्षा बालकों को इस प्रकार शिक्षित करती है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। प्रौद्योगिकी शिक्षा के द्वारा देश के आधुनिकीकरण सुनिश्चित करती है। शिक्षा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता प्रदान करती है। शिक्षा बालक में राष्ट्रीय एकता का विकास करती है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु होगा शिक्षा मानव बालक में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर विश्व जनों में शांति की स्थापना करती है। शिक्षा के द्वारा ही विश्व जनों में शांति की स्थापना होती है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार सारी शिक्षा शांति के लिए ही है। महात्मा गांधी के अनुसार अगर हम विश्व के वास्तविक शांति का पाठ पढ़ना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी हो। शिक्षा विविधता के लिए सम्मान की भावना पैदा करती है जिससे विश्व में शांति स्थापित होती है। शिक्षा बालक का विश्व नागरिकता के लिए तैयार करती है। शिक्षा बालक की संकीर्ण एवं अंधी राष्ट्रीयता को समाप्त करती है। शिक्षा बालक में यह ज्ञान पैदा करती है कि समस्त राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित है। शिक्षा बालकों उन सभी समस्याओं से परिचित कराती है जो सभी देशों से सामान्य रूप से संबंधित है। शिक्षा सांस्कृतिक विभिन्नताओं में मानव हित के लिए कल्याणकारी समान तत्वों को खोजने के लिए प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण प्रदान करती है। शिक्षा बालक को समस्त राष्ट्रों की उपलब्धियों का आदर करना सिखाती है जिससे मानव संस्कृति तथा विश्व नागरिकता का विकास होता है। शिक्षा बालक में विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करती है। शिक्षा बालक में स्वतंत्र चिंतन, निर्णय, लेखन तथा भाषण की योग्यता का विकास करती है। संरचनात्मक दशाओं के अनुसार निर्धनता की उच्च दर, आर्थिक और सामाजिक स्तरीकरण, असमानता, सीमित राजनीतिक एवं सामाजिक अवसाद इत्यादि निहित होते हैं। समूह स्तर के कारकों पर किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि सामाजिक अनन्यता संसाधनों हेतु समूहों के माध्यम होने वाले यथार्थवादी द्वंद्व तथा समूहों के माध्यम मध्य असमान शक्ति संबंध द्वंद्व को बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर विश्वास, पूर्वाग्रह ही अभिवृत्तियां तथा व्यक्तिगत की विशेषताएं महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। पूर्वाग्रह शब्द अंग्रेजी की शब्द प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतर। इस शब्द को लैटिन भाषा प्रेजुडिसियस से लिया गया है जिसका अर्थ है वह निर्णय जो पूर्व निश्चयों पर निर्भर है। प्रेजुडिस शब्द का अर्थ वह व्यक्ति जो धर्म या
जाति व लिंग के कारण किसी को ना पसंद करना। अन्य शब्दों में इसका अर्थ वह निर्णय जो तथ्यों के अपेक्षित परीक्षा से पूर्व कर लिया गया हो, एक अपरिपक्व या जल्दी में भाग लिया निर्णय या पूर्वाग्रह, एक पूर्व कल्पित विवेकहीन निर्णय। पूर्वाग्रह किसी समूह एवं उसके सदस्यों के प्रति अनुचित नकारात्मक मनोवृत्ति को कहा जाता है। पूर्वाग्रह को स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक मनोवृत्ति दोनों माना गया है। स्वीकारात्मक पूर्वाग्रह मनोवृत्ति के फलस्वरूप व्यक्ति स्नेह एवं प्यार प्रदर्शित करता है, जबकि नकारात्मक पूर्वाग्रह मनोवृत्ति के फलस्वरूप व्यक्ति घृणा प्रदर्शित करता है। पूर्वाग्रह में संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा व्यवहारात्मक ये तीनों तत्व सम्मिलित होते हैं। अमीर वर्ग का गरीब के प्रति, शहरी वर्ग का ग्रामीण के प्रति दृष्टिकोण पूर्वाग्रह से युक्त होता है। पूर्वाग्रह की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे पूर्वाग्रह विवेकहीन होता है। पूर्वाग्रह में संवादात्मक रंग होता है। पूर्वाग्रह एक सप्रयास अर्जित मनोवृत्ति है। पूर्वाग्रह सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है। पूर्वाग्रह का संबंध वास्तविकता से नहीं होता है। पूर्वाग्रह का स्वरूप कार्यात्मक होता है। पूर्वाग्रह दृढ़ तथा स्थिर सामान्यीकरण पर आधारित होता है। पूर्वाग्रह पूर्ण रूपे न किसी समूह की ओर संचालित होती है। अब इसका स्रोत है जैसे प्रजातीय। इस पूर्वाग्रह में लोग अपनी प्रजातियों श्रेष्ठ तथा दूसरों की प्रजाति को दोषी मानते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में गोरे लोग निग्रो को कम बुद्धि असभ्य समझते हैं। भारत में भी एक प्रजाति है दूसरी प्रजाति के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रह से ग्रसित है तथा इसी कारण एक प्रजाति दूसरे की प्रतिक्रियात्मकता का प्रदर्शन करती है। विभिन्न समाजों में पुरुष एवं महिलाओं के बीच भेदभाव दृष्टिगोचर होता है। अधिकांशतः पुरुषों की महिलाओं के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति होती है। पुरुषों को यह लगता है कि महिलाएं कमजोर हैं, कम बुद्धि वाली, कम परिश्रमी, नेतृत्व गुण रहित होती है। यदि किसी महिला की छवि इसके विपरीत होती है तो उसे अपवाद समझा जाता है। हर वर्ग अपनी भाषा को दूसरी भाषा से श्रेष्ठ मानता है। भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों का निर्माण हो जाता है, जैसे हिंदी भाषी, तमिल भाषी। भाषा के आधार पर आए दिन दंगे होते रहते हैं। किसी भी पार्टी का सदस्य अपने पार्टी के सिद्धांतों, उसके एजेंडों, उसके सदस्यों को अच्छा मानता है, जबकि दूसरे दल के सिद्धांतों एजेंडों की आलोचना करता है। वर्तमान में हर नेता अपने दल के नेता को साफ सुथरा तथा दूसरे दल के नेताओं को भ्रष्ट मानता है। वर्तमान समय में असंप्रदायिकता एक बड़ी समस्या है। एक संप्रदाय दूसरे के प्रति एक घिनौनी मानसिकता पाले बैठा है, जिसके फलस्वरूप सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि सभी एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। कश्मीर, पंजाब आदि में आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। क्षेत्रीयता भी पूर्वाग्रह का एक प्रमुख आधार है। शहरी क्षेत्र में विकास निवास करने वाले व्यक्ति ग्रामीणों को अनपढ़, अशब्द, मूर्ख, लड़ाकू समझते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामों में रहने वाले लोग शहर वालों को चालाक, दिखावे की प्रवृत्ति रखने वाला,
बड़बोला, अहंकारी, असामाजिक आदि समझते हैं। इसी प्रकार बड़े शहर तथा छोटे शहर वाले एक दूसरे के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। जाति आधार पर भी है, जैसे समाज में अनेक जातियों का वर्गीकरण है, प्रत्येक जाति अपनी जाति के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखती है, जबकि दूसरी जाति के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखती है तथा नकारात्मक मनोवृत्ति के चलते विद्वेष की भावना बढ़ जाती है, तब यह जातीय दंगों का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार उम्र भी पूर्वाग्रह का स्रोत है, जैसे हर युवा पीढ़ी वृद्धों को आलसी, नकारा एवं पिछड़ा मानती है, जबकि वृद्ध युवा पीढ़ी को असभ्य, भटका, आलसी आदि समझते हैं। इसी पूर्वाग्रह के चलते उनके परिवारों में आए दिन लड़ाई होती है, जबकि न तो हर युवा और न ही हर वृद्ध बूढ़ा होता है। धर्म के आधार पर भी है, जैसे पूर्वाग्रह का एक प्रमुख आधार धर्म भी है। पश्चिम मनोवैज्ञानिक जावेल ने अपने अध्ययन के आधार पर पाया कि ईसाइयों की पूर्व धारणा निग्रो के प्रति अधिक नकारात्मक होती है। मुस्लिम एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ये धार्मिक पूर्वाग्रह धार्मिक दंगे का आधार बनते हैं और इनका समाज पर कुप्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अनेक स्रोत हैं जो पूर्वाग्रह को निर्धारित करते हैं। पूर्वाग्रह के कारण ऑलपोर्ट ने पूर्वाग्रह के निम्न पांच उपागमों पर प्रकाश डाला है। जैसे इसमें पहला है ऐतिहासिक उपागम, दूसरा है परिस्थिति जन्य उपागम, तीसरा है मनोगति की उपागम, चौथा है संज्ञानात्मक उपागम, पांचवा है सामाजिक यानी सांस्कृतिक। अब पूर्वाग्रह से ग्रसित विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा किया है, तो पूर्वाग्रह को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो शिक्षा के द्वारा। और यह सब जो है शिक्षा में शांति, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे शांति की भावना उत्पन्न हो, तब जो है पूर्वाग्रह समाप्त होगा। इसके बाद है कि टीचर पेरेंट पार्टनरशिप, द पीस वैल्यूज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स टॉट इन क्लासरूम्स हैव टू बी सस्टेन्ड एंड रिअफर्म्ड एट होम इफ दे आर टू बी इंटरनेशनलाइज बाई स्टूडेंट्स। द रिहेबिलेशन ऑफ पेरेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ देयर चिल्ड्रेन कैन प्रूव एक्साइटिंगली बेनिफिशियल इन इम्प्रूविंग द रेशनल एंड इमोशनली इक्वालिटी ऑफ लाइफ एट होम एज वेल। वेलकम द अपॉर्चुनिटीज एफर्ड बाई एजुकेशन फॉर पीस इफ ओनली टीचर्स नो हाउ टू ओपन द डोर टू दिस टेम्पोररली मिसप्लेस्ड बट क्रूशियल पेडागोजिक पार्टनरशिप। उसके बाद द चेंज ऑफ इंटीग्रेशन द चैलेंज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द आइडियल स्पेशली सिंस पीस is an integrative and all-embracing concept
But this ideal approach is to be implemented in a system that is far from ideal. The ground realities concerning every constituent of education, from textbook writing to classroom transaction, from teacher motivation to the school setting, leave much to be desired. Education and skills. Peace value of personality formation. इसके लिए क्या होना चाहिए? Points है, love है, truth, purity, beauty and harmony, spirit of appreciation, a sense of responsibility, ahimsa, humility, उसके बाद a spirit of service, leadership, positive thinking and optimism, discipline, यह होना चाहिए। उसके बाद है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी का विकास होता है। शिक्षा व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाती है। शिक्षा मनुष्य का सामाजिकरण करती है, सामाजिक नियंत्रण रखती है और सामाजिक परिवर्तन करती है। शिक्षा का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। मानव या समाज का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर शिक्षा विचार न करती। शिक्षा के लक्ष्य व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, ऐसे में शिक्षा अंतर्राष्ट्रीयता पर भी विचार करती है। आज प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीयता को स्थान दिया जाता है। किसी भी देश के शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज व्यक्ति से बनता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास समाज में होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज की अवहेलना नहीं कर सकता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह है। बिना व्यक्तियों के समाज की कल्पना करना उतना ही भ्रामक है जितना कि समाज के बगैर व्यक्ति की कल्पना करना। व्यक्ति अपनी शक्ति और कुशलता को राष्ट्र या समाज बनाने में व्यय करता है और राष्ट्र या समाज उन उचित परिस्थितियों की व्यवस्था करने में संलग्न करता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। शिक्षा के व्यक्ति, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को भी ध्यान रखा जाता है। शिक्षा के व्यक्ति उद्देश्य के केंद्र में व्यक्ति होता है, जबकि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के केंद्र में समाज होता है। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य के केंद्र में राष्ट्र होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य के केंद्र में पूरा विश्व होता है। अतः हम शिक्षा के इन सभी कार्यों का को एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक मानते हैं। जैसे उस पर द्वंद्व, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावटों का सामना करता है तो वह तनावग्रस्त हो जाता है। यह अक्सर व्यक्ति में द्वंद्व और निराशा की भावना पैदा करता है। प्रबल निराशा मिलने के कारण यह द्वंद्व और भी तनाव उत्पन्न हो जाता है। आमतौर पर व्यक्ति द्वंद्व में तब पड़ जाता है जब उसके सामने परस्पर विरोधी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। शब्द अंग्रेजी शब्द प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द को लैटिन भाषा प्रेजुडिशियस से मिला से लिया गया है, जिसका अर्थ है यह निर्णय जो पूर्व निश्चयों पर निर्भर है।
जिस शब्द का अर्थ वह व्यक्ति जो धर्म, जाति और लिंग के कारण किसी को न पसंद करना। अन्य शब्दों में इसका अर्थ वह निर्णय जो तथ्यों के अपेक्षित परीक्षा से पूर्व कर लिया गया हो, एक अपरिपक्व या जल्दी में भाग लिया निर्णय है। पूर्वाग्रह एक पूर्व कल्पित विवेकहीन निर्णय है। अब है पीस वैल्यू, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। पहला में है डिग्निटी, उसके बाद इक्वलिटी यानी समानता होनी चाहिए, जस्टिस प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल पीपल्स, पार्टिसिपेशन, उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, राइट्स एंड ड्यूटीज, उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस, द अनफिनिश्ड एजेंडा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब उसके बाद लिव वैल्यूज एंड लाइफ स्टाइल। पहला में सेंसिटिविटी टू एंड एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, दूसरा में रेस्पेक्ट फॉर लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म, थर्ड में हो जाएगा सिंप्लिसिटी, लाइफ सिंप्लीफाई सिंपली शो दैट अदर में सिंपली लाइफ, चौथा नंबर में रेस्पॉन्सिबिलिटी, ए सेंस ऑफ लिविंग इन ए कम्युनिटी, पांच नंबर में कंजप्शन एंड इंटीग्रिटी ऑफ क्रिएशन, सिक्स में गांधी जी आइडियाज ऑफ अर्थ रिसोर्सेज बीइंग टू मीट एट नीड्स ऑफ ऑल, नोट द ग्रीड ऑफ ए फ्यू। पीस वैल्यूज एंड नेशनल यूनिटी में पहला में होगा इंडिया, यूनिटी इन रिलीजियस कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सेकंड में ह्यूमन डिग्निटी, थर्ड में इक्वलिटी, फोर्थ में सोशल जस्टिस, फाइव में प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल पीपल्स, सिक्स में पार्टिसिपेशन, सेवन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब है वायलेंस, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट डज, मोड्स ऑफ वायलेंस। फर्स्ट में है वर्बल, सेकंड में साइकोलॉजिकल, थर्ड में फिजिकल, फोर्थ में स्ट्रक्चरल, फिफ्थ में वल्गैरिटी इन पॉपुलर कल्चर। अब फ्रंटेज ऑफ वायलेंस, वन में कास्ट है, सेकंड में जेंडर, थर्ड में डिस्क्रिमिनेशन, फोर्थ में करप्शन, फाइव में कम्युनलाइज्ड एंड सिक्स में एडवर्टीजमेंट, सेवन में पॉवर्टी। अब जो इस सारे विषयों को सारांश के रूप में एक बार चर्चा करते हैं, शांति लोगों के बीच और उनके भीतर स्वतंत्रता और खुशी का एक परिचायक है। शांति का उद्देश्य पूरी दुनिया में अहिंसा, प्रेम और भाईचारा स्थापित करना है। यह एक ऐसा मूल्य है जिसे दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय या राष्ट्र चाहता है। यह वह माध्यम है, समुदाय है या देश स्वेच्छा से या शासन की प्रणाली के जरिए इच्छा से सहयोग करते हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके। इस शब्द का प्रयोग कभी कभी इस शब्द का प्रयोग विश्व शांति के लिए सभी व्यक्तियों के बीच सभी तरह की दुश्मनी के खात्मे के संदर्भ में किया जाता है। शांति अपने आप में बस अकेला मूल्य नहीं है, बल्कि अपने साथ
ये अन्य मूल्यों जैसे दया, करुणा, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव को समेटे रहता है। यदि हम शांति की बात किए हुए परिप्रेक्ष्य में करें तो यह कह सकते हैं कि प्रत्येक देश अपने सीमा के अंदर शांति के लिए अपेक्षित है और इसके लिए हर संभव प्रयास भी करता है। देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि देश में आंतरिक रूप से कितनी शांति है और विश्व के अन्य देशों के साथ उस देश के संबंध कितने मधुर हैं। जब शांति की स्थापना के लिए जो यह प्रश्न उठता है कि क्या शांति सैद्धांतिक रूप से संभव है, कुछ लोगों को मानना है कि मनुष्य की प्रकृति स्वाभाविक तौर पर इसे रोकती है। यह विश्वास इस विचार में आया है कि मनुष्य अपने स्वभाव या प्राकृतिक रूप से हिंसक है या कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें वह स्वभावगत रूप हिंसक कार्य दिखाता है। मनुष्य स्वभाव से ही हिंसक है और इसलिए इन परिस्थितियों को स्वयं ही उत्पन्न करता है। उसी समय में विद्वानों का दूसरा समूह यह मानता है कि युद्ध मानव प्रकृति का एक सहज हिस्सा नहीं है और कभी कभी अपने स्वभाव से दूर ले जाकर उसे परिस्थितियां तर्क संगत कारक उसे हिंसक कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। मनुष्य के आदिम रूप से हिंसक मानने का मिथक वास्तव में लोगों को विश्व शांति के लिए प्रेरित होने से रोकता है। शांति हेतु कई सिद्धांत दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक सिद्धांत का वर्णन यह संभव नहीं है। जैसे एम्स ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, पहला में टू प्रमोट इंटरनेशनल गुड विल थ्रू एजुकेशन टू एस्टेब्लिश ए लास्टिंग वर्ल्ड पीस, सेकंड में टू एडुकेट द माइंड ऑफ यंग पीपुल साइकोलॉजिकली एंड इंटेलेक्चुअली सो दैट दे फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अगेंस्ट कंफ्लिक्ट एंड वार टू प्रमोट इंटरनेशनल एमिटी एंड ब्रदरहुड। आई यू इम्प्लाइज इंटरनेशनल गुड विल एंड कंट्रीब्यूट टू द गुड ऑफ होल ह्यूमनिटी, इन अदर वर्ड इट इंडिकेट्स लव सिंपैथी एंड कोऑपरेशन अमोंग ऑल द पीपुल ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, अतः इस अध्याय है वह अन्य देशों के विरुद्ध कभी युद्ध नहीं छेड़ते हैं और इस बात के पर्याप्त अनुभवजन साक्ष्य मौजूद हैं, और कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो बड़ी मुश्किल से ही युद्ध जैसी चीज का प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण विश्व में औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के बाद से लोकतांत्रिक बनने वाले देशों में वृद्धि हो रही है। संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य इस प्रकार से संभव है अगर देशों का एक रुझान जारी रहे, अगर हम लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत सही हो। हालांकि इस सिद्धांत के कई संभव अपवाद भी हैं। दावा किया जाता है कि कभी कभी विश्व शांति किसी खास राजनीतिक विचारधारा का एक अपरिहार्य परिणाम होती है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक विचार ही विश्व शांति का नेतृत्व करेंगे। रेस्पेक्ट टू ईच अदर्स कल्चर, नेशनल एरोगेंस एंड ट्रेडिशनल बेयस और प्रेजुडिस अगेंस्ट एनी कंट्री और कंट्रीज गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। वी हैव टू सबॉर्डिनेट नेशनल प्राइड टू इंटरनेशनल फीलिंग, लव टू ह्यूमनिटी, लाइफ एंड लेट अदर्स टू लाइफ।
अब रही शांति शिक्षा। शांति शिक्षा में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्लास में तो खैर शांति होनी चाहिए, बच्चों में यह शिक्षा देनी होगी कि वह अपने जीवन की हर पहलुओं पर शांतिपूर्वक विचार करे और शांतिपूर्वक निर्णय ले। इससे समाज भी में भी शांति स्थापित होगी, समाज में होगा, परिवार में होगा, पूरे देश स्तर पर, राज्य स्तर पर और विश्व लेवल पर भी शांति की स्थापना होगी। तो यह शांतिपूर्ण शिक्षा जो है बहुत आवश्यक है बच्चों में देना। तो यह जो है हम शिक्षकों की जिम्मेवारी बनती है कि कैसे यह एजुकेशन फॉर पीस यानी शांति शिक्षा को स्थापित करें, कैसे बच्चों में इसकी भावना को प्रेरित करें। लोगों ने हमारी बातों को ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे रवि जी। धन्यवाद श्रीमान जी। निश्चित रूप से एक रिसोर्स पर्सन रूप के रूप में आपको पाकर के हम सभी जो है धन्य है, और निश्चित रूप से जो है शिक्षा शांति के लिए आपने बहुत अच्छा जो है मार्गदर्शन किया हम सभी शिक्षकों का। खास करके सीबीएसई का बहुत बहुत आभार है कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स को उसने जो है समाहित किए हुए हैं इस इन हाउस ट्रेनिंग्स के पर्पस से, और हम लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी जो है इसके लिए उसने दिया हुआ है, जिससे जो है आपके द्वारा और अच्छी तरीके से संपादित किया गया। क्योंकि हम लोग की फ्रेंडली लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा हम लोग बोलते हैं, उस भाषा को जरूरी है सीखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि यहाँ पे अंग्रेजी कह सकते हैं, अंग्रेजी का ज्ञान उन्हें जो है बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी न बोल सकते हैं और ना ही बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। तो जब हम विद्यालयों में प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात यह हो रही है कि अपने लैंग्वेज में यानी कि हिंदी भाषा, जैसे कि हमारे हिंदी की शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, या फिर जो है संस्कृत के हैं, तो उन्हें हिंदी अच्छे तरह से समझ में आती है। और इस कारण से जो है आभार है उन शिक्षकों का जो कि इस इनहाउस ट्रेनिंग में इन सारे जो सीबीएसई के द्वारा इनहाउस ट्रेनिंग दी जाती है, और सीबीएसई के द्वारा जो इनहाउस ट्रेनिंग दी जाती है तो जी के पूरे कह सकते हैं पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो है उसमें ट्रेनिंग जुड़ते हैं। इस कारण सीबीएसई की ये समस्या होती है, सीबीएसई के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि कॉमन लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा का यूज करें, लेकिन उसे हिंदी रूपांतरण करके हमारे जो शिक्षक हमें इस समय प्रशिक्षित कर रहे हैं, खासकर आप जैसे शिक्षक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। तो उम्मीद करता हूं कि हम सभी शिक्षक माननीय महोदय के द्वारा जो विषय रखा गया उसे जो है फॉलो करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर अगले सेशन में जब ट्रेनिंग के लिए जुड़ेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। आप सभी इस प्रशिक्षण वर्ग में ससमय और पूरे समय जुड़े रहें और शांतिपूर्वक जो है इस विषय को सुना। आपके लिए आपको विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।